समाजवादी पार्टी सीतापुर के नैमिष धाम में दो दिन का प्रशिक्षण शिविर कर रही है और सबकी निगाहें यहीं पर हैं। चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की भी चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने रुख को बदला है या पार्टी की सियासत को बदला है, इसे जानने के लिए हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर लालजी वर्मा को। लालजी साहब, इस तरह से जो समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों अपने रुख को बदला है या यूँ कहें रणनीति को बदला है, ये क्या है? नहीं, रणनीति नहीं बदला है। समाजवादी पार्टी हमेशा समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है, और चाहे वो संसोपा रही हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, लोकदल रहा हो, हमेशा किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, समाज के हर वर्ग को, समाज के अग्रणी वर्ग को भी साथ लेकर चलने का काम किया। सबको साथ लेकर ही चलने का कार्य हमेशा करती रही है। आज उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो जनता को गुमराह कर रही है, उससे लोगों को आगाह करने के लिए हम अपना कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हमें समाज में जाकर किस तरह से समाज को जोड़ने का काम करना। आप प्रशिक्षण दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, लेकिन डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष परिपक्व नहीं है। अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से अगर आज पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कहीं आदरणीय श्री अखिलेश यादव के सामने कोई खड़ा नहीं नज़र आता। हर मामले में, चाहे वो जनता की फॉलोइंग हो, चाहे उनके साथ चलने वालों की संख्या हो, और जो पढ़ाई लिखाई का भी सवाल हो और जो उनके विचार रखे जाते हैं उसको भी देख लें, तो निश्चित रूप से उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। भारतीय जनता पार्टी तो आम जनता को बांट के, नफरत फैलाकर वोट लेने का एक तरीका अपनाती है। कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बड़ी पीठ थपथपाती है उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन लखनऊ में जिस तरीके से कांड हुआ, इलाहाबाद में हुआ, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इससे ज़्यादा कानून व्यवस्था का खोखला होना कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। न्यायालय में घुसकर अपराधी मार देता है, अस्पताल जाते हुए अपराधी मार देता है, थाने में घुसकर पुलिस वालों को कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग पीट देते हैं, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, ये सारे उदाहरण। दूसरे आज ही बुलंदशहर में जिस तरह से नलकूप पर दलित समाज के लोगों को पिटाई की जाती है, ये इस बात का, और जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसमें अभी आपने बस्ती की घटना को देखा है, ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल का राज है। जब टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टीका लगा के या आरती वाली तस्वीरें उनकी बाहर जाती हैं तो सियासी बेचैनी तमाम पार्टियों में बहुत ज़्यादा हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ये मानती है कि धर्म हमारा स्वयं का विचार लिए विषय है। हम किस धर्म को माने और जिस धर्म को माने उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर हम स्वतंत्र हैं, हम जो भी उसके नियम कानून हैं उसको फॉलो करें। हम किसी को रोकते नहीं हैं और न किसी से नफरत करते हैं, सबको साथ लेकर चलने का काम है, ये व्यक्तिगत विषय है। धर्म को हम राजनीति में जोड़ना नहीं चाहते। 2024 के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहने जा रहा है? बीजेपी कह रही है राम मंदिर शुरू, राम मंदिर का निर्माण हो गया है, भव्य राम मंदिर बनाया है और अब 2024 में शुरू भी कर रहे हैं। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में हर मामले में जनता परेशान है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, अपराध बड़े पैमाने पर हैं, पिछड़े वर्गों का आरक्षण पूरी तरह से, दलितों का आरक्षण पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। अभी पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारियों का पोस्ट निकली, 27% के हिसाब से 396 पद पिछड़ों का बनता है लेकिन निकाला गया 139। तो इस तरह से आरक्षण को खाने का काम, 69,000 शिक्षकों में करीब 18,000 अनुसूचित जात और पिछड़े जात का रिजर्वेशन के कोटे को समाप्त किया गया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल है। किसान को उनका लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इस तरह से हर मोर्चे पर फेल है, और यही सब मुद्दे होंगे समाज को एक साथ जोड़ने का। आज नफरत फैलाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है। आखिरी सवाल आपसे ये कि राम मंदिर के मुद्दे से कैसे आप लोग लड़ेंगे? बड़ी चुनौती है 2024 में आप लोगों को। नहीं, राम मंदिर का कोई मुद्दा है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को समाप्त कर दिया। अब उसको अगर कोई भुनाने की प्रयास करता है तो वो जनता उसको देख रही है और ये धोखा मानकर उसके अनुसार कार्य करेगी। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं लालजी वर्मा, कह रहे हैं कि राम मंदिर जैसा कोई मुद्दा नहीं है और जनता सब कुछ देख रही है, 2024 में जनता अपना जवाब देगी। सीतापुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।